Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara are the backbone of the Indian test batting. But there has been a lot of differences in the performance in the recent times. Rahane, who has played 14 test matches, have had an exceptional scoring rate on foreign soil. He scored 118 against New Zealand, 103 against England, a match which India won, and 147 against Australia at the MCG. His life has changed a lot of late, but Rahane is saying it is just the beginning of his journey. जिस तरीके का क्रिकेट हम खेले और पर्सनली जिस तरीके की बैटिंग हुई है काफी कॉन्फिडेंस मिला मुझे चारों टूर से और मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो प्रोसेस जो मैंने प्रैक्टिस की अभी हर एक सीरीज से पहले वो इम्पोर्टेंट थी क्योंकि रिजल्ट के बारे में हम किसी को नहीं पता होता है कि एंड ऑफ द टूर क्या रिजल्ट होंगे और क्या हम पर्सनल क्या परफॉर्मेंस होगा बट इम्पोर्टेंट यही था कि मैं सही तरीके से प्रिपरेशन करूँ और प्रैक्टिस में मेरे लिए खुद के लिए इतना हार्ड करूँ ताकि मैच में कंपेरेटिवली इजी लगे तो जरूर एक करियर की शुरुआत हुई और कोशिश यही करूंगा कि हर एक सीरीज बाय सीरीज खेलूँ ज़्यादा आगे की ना सोचूँ और जरूर एक टेस्ट मैच खेल रहे बांग्लादेश में तो कोशिश यही होगी कि जो भी एक्सपीरियंस लास्ट चार सीरीज से हमें मिला उसको हम अच्छे परफॉर्मेंस में हम उतारें. Meanwhile, Pujara, who had a brilliant start to his test career, has lost his form somewhat of late. He has scored a lot of 30-odd runs in the recent series against New Zealand, England and Australia. So when the others were busy playing in the IPL, Pujara went to play county cricket in Yorkshire, England. He is hopeful of finding his form in the Bangladesh series. Overall, dekha jaye to Australia tour or New Zealand tour, jahan par मेरा जो परफॉर्मेंस था उसमें मुझे बैटिंग में अच्छे स्टार्ट मिल रहे थे बट वो जो 30s 40s जो थे उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता था पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाए तो वो एक टेक्निक में या तो कंसंट्रेशन में जो कुछ भी सुधार लाने की ज़रूरत थी उसके ऊपर मैंने वर्क किया और डेफिनेटली जो यॉर्कशायर का एक डेढ़ महीना वहाँ पर जो मैंने बिताया वहाँ की कंडीशंस में मैंने प्रैक्टिस की तो उससे काफ़ी हेल्प रही और उसके बाद मैं इंडिया आया यहाँ पर 2 हफ्ते प्रैक्टिस की तो ये जो प्रैक्टिस का पीरियड था उसमें मैंने काफ़ी वर्क किया मेरी टेक्निक पे मेरे कंसंट्रेशन पे जिसकी वजह से मैं काफ़ी अभी कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप अगर आपने कुछ अच्छा किया है पास में तो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है जिसकी वजह से आप कोई भी नेक्स्ट सीरीज़ खेलने जाते हो तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहते हो और प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो मेरा प्रिपरेशन अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ अच्छी होगी.